वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111 111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं गाइज। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, और आज का टॉपिक ये है कि आपके अप्रैल मंथ में कौन से चेंजेस होने वाले हैं, क्या मिरेकल्स होने वाले हैं और आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं अप्रैल मंथ में, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। फेटेड चेंजेस क्या क्या है। सो आज मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स रखे हैं, ये है कार्ड नंबर 1 असेंशन और ये है कार्ड नंबर 2 डिवाइन ऑर्डर। मैं आप लोगों को सामने से भी दिखा देती हूँ, ये है कार्ड नंबर 1 फॉर पाइल 1 या ग्रुप 1 असेंशन, और ये है कार्ड नंबर 2 डिवाइन ऑर्डर या पाइल नंबर 2। देख लीजिए जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर असेंशन को चूज किया है तो हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ में क्या फेटेड चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में, क्या मिरेकल्स होने वाले हैं और क्या आप एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं इस मंथ। तो ये जो है ये गाइडेंस कार्ड है, इसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ, इसे मैं सबसे एंड में आप लोगों के लिए पढ़ूंगी, ओके, और आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दूंगी। ओके चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। मेरे सेकंड चैनल की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। बाकी के भी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर चेक कर लीजिए सारे डिटेल्स को। इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है गाइस। ओके मैंने साइंस के अकॉर्डिंग वीडियोज़ जो है अपलोड कर दी हैं सेकेंड चैनल पर, तो आप लोग जाके अपने साइंस के अकॉर्डिंग, अपने राशियों के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके सो जो साइंस आपके हो सकते हैं, या फिर आगे मैं बताऊंगी, आप किसी भी पर्सन से अगर डील वगैरह कर रहे हैं या करेंगे आने वाले टाइम पे, तो उनके जो साइंस है वो है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। ओके ये साइंस आपके हो सकते हैं, आपके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं, या फिर जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है उसके साइंस भी ये हो सकते हैं। ओके सो चलिए देख लेते हैं कि आपके अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है। देखिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो हो सकता है कि आपके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह नहीं हैं, हो सकता है आप अपने लाइफ को इस वक्त इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ आप बातें शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ आप मस्ती कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग इंट्रोवर्ट हैं, या फिर अगर आप इंट्रोवर्ट है भी नहीं तो हो सकता है आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, या फिर एटलीस्ट आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा बोर्डम है। हो सकता है रिसेंटली आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आपको अपने पर्सन की तरफ से भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सो लाइफ इज़ बोरिंग काइंड ऑफ, कुछ ना कुछ बोरिंग तो आपके लाइफ में चल रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी जैसा आपको मस्ती करना, मस्ती मजाक करने हैं, घूमना फिरना है, एक एन्जॉयमेंट जो लाइफ में चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लैक कर रही है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे, आपके फ्रेंड से ज़्यादा आपके हेटर्स या आपसे लोग जेलस ज़्यादा हो रहे हैं, और आप किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त कि किसको आप एक्सप्रेस करें किसको नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आप लोग गलत फ्रेंड सर्कल में हैं इस वक्त, एंड उनके वजह से हो सकता है कि आपके अंदर टॉक्सिक एनर्जी भर जाती है, आपके अंदर नेगेटिविटीज भर जाती है, एंड आपके फ्रेंड्स या फिर आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं वो हो सकता है कि
आपके सपोर्टिव नहीं है, आपके लिए आपको सपोर्ट नहीं करते, या फिर आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, जो चीज़ आपने कहीं ना कहीं फील करी है और आप फील भी कर रहे हैं करेंटली, और उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड हैं, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन अप्रैल मंथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको बहुत चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। किसी भी चीज़ से अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं, किसी भी चीज़ की वजह से अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं बनते या लोग आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्या ये आपकी गलती है या किसी और की गलती है। और सो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मुझे मेन चीज़ जो नज़र आ रहा है अप्रैल मंथ में, कि आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, वो भी एक प्यार नहीं, एक से ज़्यादा। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि कोई दो इंसान हैं आपके लाइफ में जो ऑलरेडी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और वो आपसे या तो आपको प्रपोज करेंगे या फिर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। सो अगर आप अब तक वेट वगैरह कर रहे थे किसी पर्सन का, या आप चाह रहे थे कि आपके लव लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट हो, जिससे आपको जो है क्लैरिटी लगे, आपको सब फील हो कि हाँ आप अपने लव लाइफ में किसी पर्सन के साथ कुछ आगे प्रोसीड कर सकते हो, तो वैसा स्टेबल इंडिपेंडेंट इंसान आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आ रहा है अप्रैल मंथ में। आप डेफिनेटली इस चीज़ को फेस करने वाले हैं। अल्टीमेट डिसीजन आपका रहेगा कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं किसी को, लेकिन हाँ अप्रैल मंथ में मेन मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, आपको लव लाइफ से रिलेटेड एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, और आपको ऐसा लगने वाला है कि फाइनली चलो कुछ अच्छा हुआ, जैसा हमने चाहा वैसा इंसान हमें मिला, या फिर अब कुछ हो रहा है, मूवमेंट्स आ रही हैं लव लाइफ में। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी है, एक तो हो सकता है कि बहुत पुराना हो सकता है, या फिर ऐसा कोई हो सकता है जिसके अंदर बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं आपको लेकर, जो बहुत इंटेंसली आपके लेकर फील करता हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगेन मेल फीमेल आप लोग देख सकते हैं। और कोई ऐसा इंसान है जिसे जिनके साथ आपने हो सकता है रिसेंटली आपने देखा है, हो सकता है आप दोनों सेम पेज पर हो सकता है बहुत इंडिपेंडेंट है वो आपको अपना लाइफ पार्टनर के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, या फिर आपको जो है एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ वॉक करना चाहते हैं। तो ये सब मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो चेंजेस मुझे यही लग रहा है कि आपको जो है अपने फाइनेंसिस को लेकर, करियर को लेकर और लव लाइफ को लेकर सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलने वाला है। लव लाइफ में तो मिलेगा ही, साथ में मुझे लग रहा है करियर में भी मिलने वाला है, बिकॉज आपको जो है क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको करना क्या है आगे, ठीक है, और आप कैसे सेविंग्स करेंगे या कैसे चीज़ों को इन्वेस्ट करेंगे, अपने अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो एक जो है प्लॉट आपके माइंड में क्रिएट होने वाला है आपके वर्क को लेकर, आपके करियर को लेकर। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। अगर आपको किसी पर्सन से कम्युनिकेशन चाहिए था, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको अप्रैल मंथ में कम्युनिकेशन मिलेगा, जिससे हो सकता है कि आपके लाइफ के कुछ पैटर्न्स चेंज हों, आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आए, और आप जो भी स्टक फील कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी एक जेन्युइन इंसान आपके आसपास नहीं है, उस चीज़ से आपको राहत मिले। ओके, हमारे पास है, ओ माई गुडनेस, ओके ओके, लेट मी ओके जस्ट अ सेकेंड। सो आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं। ओके, फाइव ऑफ क्लब्स। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है किंग ऑफ क्लब्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ हार्ट्स। सो अप्रैल मंथ में या तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे, या फिर आप यूनियन में आओगे, या फिर आप अपने सोलमेट से मिलोगे, या फिर उनके साथ आप यूनियन में आओगे। डेफिनेटली अप्रैल मंथ में आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आपके ज़िंदगी में आपके लिए जो बना है वो आ चुका है या आ चुकी है। ऐसा अप्रैल मंथ में कुछ मेजर चेंजेस आपके होने वाले हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एटलीस्ट आप लोग पाथ क्रॉस तो डेफिनेटली करोगे, अगर आपको कमिटमेंट नहीं भी मिल रहा है, किसी न्यू इंसान से मिल रहे हो तो एटलीस्ट आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी। ओके, अगर आप बहुत टाइम सिंगल हैं, कोई लाइफ में नहीं और आप चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो रास्ता क्रॉस आप दोनों ज़रूर करने वाले हो अप्रैल मंथ में। एट ऑफ कप्स से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये चेंजेस ये भी होंगी, फाइव ऑफ क्लब्स भी है, और एट ऑफ हार्ट से मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप लड़ रहे हैं, चाहे वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कुछ लोगों से हो, कुछ टॉक्सिक पीपल से हो, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन से हैं, उससे आप बिल्कुल भी निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। आप पूरे तरीके से
श्योर हो जाएंगे कि आपको ये जो झंझट है नहीं पालना, या फिर आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रखने हैं, आपको इनर पीस चाहिए, उसके लिए आप वर्क करोगे और आप मूव ऑन कर जाओगे। चाहे वो अपने आपके करियर से लेकर कोई इशू हो, आपके लव लाइफ को लेकर कोई इशू हो, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप उन लोगों से भी दूरियाँ बना लोगे जो आपको हो सकता है कि नेगेटिविटी देते हों, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हों, जो आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हों, या फिर जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, पूरी तरीके से आप उन्हें कट कर दोगे अपनी ज़िंदगी से, और हो सकता है कि आप लाइफ टाइम के लिए ना करो। तो ऐसे चेंजेस जो है आप खुद से कहीं ना कहीं लाओगे, मुझे लग रहा है अप्रैल मंथ में, और कुछ चीज़ें जो हैं वो तो यूनिवर्स की तरफ से होंगी ही। ओके, तो चलिए हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। इम्पार्शियलिटी, ओके। सो अगर कोई इंसान आपके तरफ पार्शियल था, हो सकता है आपको प्रायोरिटी ना देकर किसी और को देता था या देती थी, कोई भी इंसान हो, ठीक है, या फिर आपके फैमिली में से भी कोई हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स में से भी कोई हो सकता है, हो सकता है चीज़ें आपके साथ इनजस्टिस हो रही थी, लेकिन अब जो है जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, जो भी लोग आपके साथ पार्शियल थे पहले, उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या गलती की आपके साथ, ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर रियलाइजेशन बहुत सारे लोगों को होगा, जो लोग आपसे जेलस हैं या थे, या फिर जिन्होंने आपके साथ कभी ना कभी गलत किया है, ठीक है, इनको रियलाइजेशन अप्रैल मंथ में बहुत स्ट्रांग लेवल पर होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बैलेंस बना लोगे, जो हो सकता है कि आपके अंदर भी इम्बैलेंसेस हैं, हो सकता है आप सारी चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे हो, ठीक है, चाहे वो फैमिली हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कुछ वर्क हो, स्टडीज़ हो, कुछ भी हो, तो वो बैलेंस में आएगा आपके अप्रैल मंथ में। डेस्टिनी, वाओ, मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा, या फिर सोलमेट्स की, ओके। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि डेस्टिनी में आपके लाइफ में जो चीज़ लिखा हुआ है ना, लाइक डेस्टिन जो है, मतलब गारंटीड वो होके रहेगा, चाहे आप कुछ करें ना करें, ठीक है, तो वो करियर में, लव लाइफ में, उसकी शुरुआत आपकी अप्रैल मंथ से हो रहा है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कुछ चीज़ें जो आपकी डेस्टिन्ड हैं, जो डेस्टिनी ने आपके लिए ऑलरेडी लिखी हुई है कि ये आप करके रहोगे या फिर ये आपके साथ होगा ही, ठीक है, और वो चीज़ बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है मुझे, लव लाइफ की तो ज़्यादा नज़र आ रही है, करियर में कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं उनसे या तो आप मिल लोगे अप्रैल मंथ में, बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जर्नी शुरू हो जाए और फिर आप कुछ ही मंथ्स के अंदर मिल जाओ, ओके। और आपके पास्ट लाइफ के लवर आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये भी चीज मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग मैरिड कपल्स भी हैं, लेकिन हो सकता है कि सोसाइटी या फिर फैमिली का कोई इशू है, बट आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक होंगी और आप दोनों को मौका मिलेगा साथ में रहने का, ठीक है, और बाकी लोगों से आप कहीं ना कहीं इस चीज़ों को रिजॉल्व कर लोगे बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय दिस मंथ। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। विजडम, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, जो चीज़ें हो सकता है आपने कभी पढ़ी ना हो, आपने कभी किसी से सुनी ना हो, आपको अपने आप ही सारी चीज़ों का जो है मतलब पता लगने लग जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो, या फिर एटलीस्ट जो है आप अपने सोल को अलाइन कर लोगे, या फिर आप ऑलरेडी बहुत एक डिवाइन सोल हैं, तो आपको जो है ना ऊपर वाले से जो है बहुत सारे नॉलेज मिलने वाली है अप्रैल मंथ में, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, और फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं, कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, आपको भी क्या करना चाहिए, आपकी कैसी ग्रोथ होगी, आपको कैसा स्टेप्स लेने हैं। तो मुझे लग रहा है कि अपने आप जो है ना आप मैसेजेस रिसीव करेंगे यूनिवर्स की तरफ से, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो ये चीज़ कभी भी नहीं सुनी, या फिर कभी भी मैंने इस चीज़ को नहीं समझा था, किसी ने मुझे समझाया भी नहीं, तो मुझे अपने आप कैसे समझ में आ रहा है। ओके, सो ये चीज़ें आपकी चेंजेस होने वाली है, और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करने जा रही हैं अप्रैल मंथ में। सो अगर आप लोग ऑलरेडी विश्वास रखते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स को, एंजल्स को प्रे कीजिएगा कि वो आपके आपको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, आप जिस भी डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में जो है आपके साथ रहे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चेंजेस आपके लाइफ में अप्रैल मंथ में होने जा रहा है। ओके,
नाउ हम गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है. तुम्हारे पास है असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर. तो हो सकता है कि अभी आपको पता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको ये भी पता है कि आपको ज़रूर ट्रू लवर मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप डार्कनेस में चले जाते हो, या कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो. तो आपको ये गाइडेंस बताया जा रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, या फिर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, लो सेल्फ इस्टीम है, तो उससे आप निकल के आइए, बिकॉज आपकी ट्रू सेल्फ कुछ और है. आपकी ट्रू सेल्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप जो हैं एक मैजिक मैनिफेस्टर हैं. तो आप जो भी चाहेंगे वो चीज़ हो जाएगी. सो इतना पावर अगर आपके अंदर है तो आप क्यों डार्कनेस में रहेंगे, ठीक है. लाइट, रोशनी आपके सामने है, आपको उस चीज़ को देखना है और अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना है, और उसकी कोशिश आपको खुद को करनी है. सो ये गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है. सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग. आई होप आप लोग को पसंद आएगा. पसंद आ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन. हेलो पाइल नंबर टू, अगर आपने पाइल टू या फिर डिवाइन ऑर्डर को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं जो कि फेटेड हैं, क्या मिरेकल्स हो सकते हैं और क्या एक्सपीरियंसेस आप करेंगे. सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. सो मेल फीमेल आप लोग इससे किसी वक्त देख सकते हैं. और ये जो है गाइडेंस कार्ड है, ये मैं एंड में आप लोगों के लिए पढ़ूंगी और आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दूंगी. और बाकी के डिटेल्स, मेरे सेकंड चैनल के डिटेल्स, मेरे सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा. वहाँ पर मैंने साइंस के अकॉर्डिंग, राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग्स कर दी हैं, तो आप लोग जाके ज़रूर चेक कर लीजिए. और सारी डिटेल्स, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा गाइज. सो चलिए अब हम जो है देख लेते हैं. तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए. चलिए देख लेते हैं. ओके, हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स. ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक से है थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो जो साइंस आपके, या फिर अगर आप किसी डील वगैरह कर रहे हैं तो उनके साइंस हो सकते हैं अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई एंड फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस. साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा, एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग्स हैं. सो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है थ्री ऑफ वॉन्ड्स. मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी करंट की एनर्जीज ऐसी है कि आप जो है हो सकता है कि बहुत दूर चले जाना चाहते हैं. हो सकता है कि आप आपके लाइफ में अभी करंटली जो भी हो रहा है उस सारे चीज़ों को छोड़कर आप कहीं पर पीस ढूंढने निकलना चाहते हैं. मुझे ये सबसे पहली वाइब आ रही है कि आप चाहते हैं कि बस आप कहीं पहुंच जाएं जहाँ पे बस पीस ही पीस हो, आपको एक मन की शांति मिले और आप कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी ऐसी है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, आप बहुत ज़्यादा वर्क किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा रिजल्ट आपको इच्छा है मिलने की वैसी नहीं मिल रही है, या फिर जितना आपको इन्वेस्ट करना है उतना आपको अभी नहीं हो पा रहा है कि आप इनपुट दें, ठीक है. या फिर चाहे अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो हो सकता है कि कंसिस्टेंट रहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं रह पा रहे हैं. क्विट करने का मन होता है कभी कभी, लगता है कि बहुत डिटरमाइंड रहेंगे तो आपको समझ नहीं आता है कि क्या करें. कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप हो सकते हैं किसी इंसान का वेट भी कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, आप उनकी राह देखते रहते हैं कि आ जाएंगे नहीं तो कल आएंगे, चलो या परसों आएंगे, लेकिन उनका कोई भी कुछ सीन नज़र नहीं आता है आपको और आप वेट करते रह जाते हैं कि पता नहीं कब
वो इंसान आएंगे, कब हमारे लाइफ में खुशियाँ आएंगी या कब चीज़ें ठीक होंगी। तो ऐसी आपकी इच्छा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, बट वो नहीं हो पा रहा है और आप बस वेट किए जा रहे हैं कि कब वो होगा और कब हम रिलोकेट कर पाएंगे, कब हम जा पाएंगे। तो ऐसी आपकी एनर्जी करंटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि चल रही है। ओके, सो देखिए अप्रैल मंथ में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ जगलिंग वाले मोड से आप निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि अप्रैल मंथ में जो है आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जो आप अब तक फेस कर रहे हैं, जो भी आप सह रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ में हो, वो चीज़ पूरी तरीके से बदल जाएगी। एक न्यू साइकिल आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होने वाला है अप्रैल मंथ में, जो हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली हो, ठीक है। जिस हो सकता है कि आप तुरंत उस चीज़ को अपना ना पाएँ, क्योंकि एक न्यू साइकिल है, आपने नहीं सोचा था कि वो आपके साथ होने वाला है। बहुत मतलब एक न्यू न्यू चैप्टर आपका शुरू होगा, ठीक है। आपकी मेंटेलिटी बदलने लगेगी, आपके सिचुएशंस बदलने लगेंगे, आपका काम करने का तरीका बदलने लगेगा, ठीक है। आपके सिचुएशंस डेफिनेटली बदलेंगे। तो उस वक्त हो सकता है कि आप जो है समझ ना पाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी अपने फाइनेंसिस को लेकर, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी कन्फ्यूजन से भी आप जो है मुक्ति पाएंगे, कन्फ्यूजन से भी निकलेंगे। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होने के चांसेस हैं आपके अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है इग्नोर करना है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अप्रैल मंथ में हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसान से आप मिलें या कुछ ऐसे लोग रहें जो हो सकता है फ्रॉड हो या फिर आपका नुकसान करना चाहें, ठीक है। और उनकी बात अगर आपने मान ली या फिर आप नहीं पहचान पाए टाइम पे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो जाए और ये चेंज जो है आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बुरी तरफ लेकर आ जाए। तो इन सारे लोगों से भी आपको बचने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हाँ, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको ऐसा फेस करना पड़ सकता है अप्रैल मंथ में। ओके, लेकिन हाँ, एक न्यू बिगनिंग्स तो डेफिनेटली आपकी हो रही है। तो अब तक अगर आप कुछ फेस करते हुए आ रहे थे, तो कुछ एक न्यू बिगनिंग्स होंगी और एक नया होप आपके अंदर जागेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब तक जो चीज़ें हो रही थी, अब तक अगर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह किसी से चल रहे थे या कुछ और प्रॉब्लम्स थे, कुछ और इम्बैलेंसेस थे, तो उससे मुक्ति आपको मिलेगी इस मंथ में। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ लॉस होने के चांसेस हैं। अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है कुछ, तो उस पर आपको ध्यान देना है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, क्या आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो जेन्युइन जगह है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, क्या वो ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और एल्स जो है चेंजेस जो है वो तो कुछ नेगेटिव चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें दिख रही हैं, तो मैंने आपको बताई। अब और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको जो है अपने कर्मों का फल मिलने वाला है अप्रैल मंथ में। ओके, सो अगर आपके कर्म कुछ अच्छे रहे हैं, तो एक नई शुरुआत होगी और आपका आपका जो फल है वो अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपने कभी भी कुछ गलत कर रखा है, तो हो सकता है कि उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप पर पड़े अप्रैल मंथ में, ठीक है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड देख लेते हैं। ओके, सेवन ऑफ हार्ट्स। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है, एक इल्यूजन में आप जी रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ किस तरह जा रही है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, तो उससे आपको जो है छुटकारा मिलेगा। एक बिग चेंज यही होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि आपका आपका लाइफ किस तरफ जा रहा है और आपको कैसे सारी चीज़ों को अपनाना है और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। जो चीज़ हो सकता है कि अभी नहीं हो पा रही, आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव नहीं आ पा रही है, बार बार दिमाग में वही चीज़ें चलती जा रही है और आप खुद परेशान हो चुके हैं कि ऐसी नेगेटिविटी क्यों झेलना पड़ रहा है आपको, तो उस चीज़ से जो है आप निकल पाओगे और यही मेजर चेंज होगा आपके लाइफ में। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, थ्री ऑफ डायमंड्स। टेन ऑफ हार्ट्स। ओके, यहाँ पर है डबल टेन, देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी है, देखिए, डबल थ्री है। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए अप्रैल मंथ में जो है ना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो सही में बहुत जेन्युइन होने वाले हैं, जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और जिनके साथ आप वर्क करके या फिर जिनके साथ रह के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन साथ में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो फ्रॉड हो या फिर जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहें, जो आपसे बेनिफिट लेना चाहें। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अप्रैल मंथ में, क्योंकि कुछ लोग आपको मिलेंगे और
उन्हीं लोगों को चूज़ करना है आपको जो आपके लिए सही हो, ठीक है? क्योंकि आप जिस तरीके से डिफरेंशिएट करके चूज़ करेंगे उसी तरीके से आपको चेंजेस भी नज़र आएंगे, ठीक है? तो ये जो चेंजेस है कहीं ना कहीं आपके हाथ में ज़्यादातर हैं, बट यहाँ पर है हमारे पास 10 of Swords एंड यहाँ पर है 10 of Hearts। तो मुझे यहाँ पर लिख रही है अबंडेंस एंड हैप्पीनेस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अगर आपके फैमिली में भी कुछ इशूज़ हैं तो वो भी रिजॉल्व होने वाले हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा हारमनी पीस आने वाला है, ओके? और आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो एक हैप्पीनेस आएगा, एक उम्मीद जगेगी आपको अपने लाइफ को जीने की, कुछ कर दिखाने की, फैमिली के लिए कुछ करने की, अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाने की, या फिर अपने पार्टनर्स के लिए कुछ करने की, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रही है, जो कि एक चेंज आपको चाहिए थी, ठीक है? तो ये बहुत हैप्पीनेस आपको मिलेगी, आपको कुछ लोग भी मिलेंगे, आपको श्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन आपको जो है, अगर आप बाहर के लोगों से मिलते हैं तो आपको जो है थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं एंड आप कंसीव करना चाह रहे थे बट इश्यूज़ बहुत आ रहे थे, आपको लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता था, ठीक है? तो वो चीज़ भी रिजॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हैप्पीनेस आएगी। आपको हो सकता है कंसीव भी आप करें अप्रैल मंथ में, और हैप्पीनेस डेफिनेटली आ रही है, खुशियाँ लाइफ में आ रही है, खुशियाँ घर में आ रही है, ठीक है? तो ये चेंजेस आपके लाइफ में कुछ होने वाले हैं जो आपको पेन से खुशियों की तरफ लेके जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आपके अगर कर्म कहीं ना कहीं अच्छे रहे होंगे तो अब जो है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आने वाली है, ओके? सो या और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम आपके लिए। ओके, डिस्पोंडेंस, और भी कार्ड्स देखते हैं। मिराकल, ओके, कुछ मिराकल्स डेफिनेटली होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ अच्छे लोग भी आपके लाइफ में आने वाले हैं, हैप्पीनेस आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फर्टिलिटी आने के चांसेस हैं। अगर आपको बहुत टाइम से इशू हो रहे थे, सबके हो रहे थे, और आपको थोड़ा था कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ भी रिजॉल्व होंगी आपकी पैशन। तो आप जो हो अपने पैशन से कुछ शुरू भी करोगे, और अगर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, कुछ वर्क आप करते हो लेकिन उसमें जो है आपको सफलता पूरी तरीके से नहीं मिल रही थी, तो मेजर चेंज ये भी होगा कि डेफिनेटली आपको एक पहचान मिलेगी आपके पैशन से रिलेटेड। जो भी आप वर्क कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, अगर आप स्टार्ट भी करेंगे तब भी उसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि लोग पहचान रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ मिराकल्स होंगी, ये मिराकल्स मुझे दिख रहा है कि एंजल्स बताना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि एंजल्स बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं कि आपको आपके साथ ये क्या मिराकल होगा। तो जो भी मिराकल होगा ये कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, और ये मिराकल एक्चुअली क्या मिराकल होने वाला है ये बिल्कुल भी जो है नज़र नहीं आ रहा है, ओके? बट हाँ, डिस्पोंडेंस का कार्ड यहाँ पर है, तो ग्रोथ आपकी होगी, लेकिन आपको अपनी मेंटालिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी जेलसी है, फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार लोगों के होते हैं हमारे क्यों नहीं, तो वैसे ही माइंडसेट आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? बिकॉज आपका मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर अगर आप पेशेंस रखेंगे तो। लेकिन अप्रैल मंथ में हाँ, एक रीग्रोथ आपकी लाइफ की ज़रूर होगी, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में भी बहुत हैप्पीनेस आएंगी, और प्रेगनेंसी भी आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अप्रैल मंथ में, बिकॉज अप्रैल मंथ जो है आपके लिए ऐसा होने वाला है कि थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को भी फेस करना पड़ेगा आपको, और पॉजिटिव चीज़ों को भी फेस करना पड़ेगा। और नेगेटिव चीज़ों में भी अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो एज सच कोई इशू नहीं होने वाला है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखने की ज़रूरत है, ताकि आप जो हो डिफ्रेंशिएट कर पाए, पहचान पाए सही से कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट हाँ, एक ना एक कुछ मिराकल होने वाला है जिसका आपने कभी सोचा नहीं था, या फिर एटलीस्ट आपने नहीं सोचा था कि अप्रैल मंथ में वो मिराकल, वो चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होगा, और वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर होगी। सो बिल्कुल प्रेयर्स करते रहिए अगर आप करते हैं तो, ताकि जो है ये मिराकल्स डेफिनेटली आपके लाइफ में हो जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। हमारे पास है डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, और आपको जो सही लगता है इस वक्त उसे आपको फॉलो करना है, ना कि लोगों का देखना है, या लोगों की बातों को सुनना है, या फिर लोगों के बिहेवियर से खुद टेंशन में आना है। कुछ ना कुछ लेसन्स आपको मिल रहे हैं, अगर नेगेटिविटीज़ है भी तो उनसे आप सीखिए, ठीक है? और आगे भी जो है लेसन आपको थोड़े मिलेंगे, ताकि आप जो है चीज़ों को समझ पाए कि ये चीज़ें किस लिए हुई। सो डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको सब कुछ मिले।
मिलेगा और डिवाइन का ऑर्डर जो है आ चुका है आपके लाइफ में। तो जैसे मैंने कहा कि अच्छी चीज़ें भी होंगी और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, लेकिन अगर आपके कर्म जो है वो अच्छे रहे हैं पहले से, तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं ज़्यादा लेवल पर अच्छी होने वाली है। ओके, सो ये गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।